हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के 10वें अध्याय का 20 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम 1:10-20। अन्योन्यम एक दूसरे में आसीत था संजल्प बात। उत्तम श्लोक। परमेश्वर जिनकी प्रशंसा चुने हुए श्लोकों से की जाती है, चेतसाम जिनके हृदय इस प्रकार लीन है उनका। कौरवेंद्र कुरुओं का राजा, पुर राजधानी, स्त्रीणाम सारी स्त्रियों का, सर्व समस्त श्रुति वेद मनहर मन को मोहित करने वाला। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे श्री भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः श्री भगवान का जस गान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है और श्रीमद् भागवतम में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यश गान हुआ है। अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां श्री भगवान के विषय में बातें कर रही थी तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों से अधिक मनोहर लग रही थी। श्री भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक भजन लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रील नरोत्तम दास के इन भजनों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है कि इसकी विषय वस्तु इसका कारण है इनकी विषय वस्तु भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। श्री भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन उन सभी स्त्रियों में भगवत कृपा से वैदिक ज्ञान की चेतना का विकास हो आया है। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत के अच्छे विद्वान न हो तो भी उनके बातें वैदिक स्तोत्रों से वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परम भगवान का वर्णन करते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान के विषय में थी। अतएव वे अधिक हृदय ग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप सब भक्तों के चरण में नमन करके आशीर्वाद की कामना से हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भगवान के यात्रा के विषय में सुन रहे हैं। कल हम लोग सुने
कि भगवान कई एक महीना तक कतिपयान मासान हस्तिनापुर में रहे, लेकिन अब वहाँ से वे द्वारका जाना चाहते। हस्तिनापुर कई एक महीना रुके, उसका कारण था कि इनके जो संबंधी थे बड़ा शोक में थे, तो उनको विशोक आया, उनके शोक को दूर करने के लिए, और खास करके ससुश्च प्रिय काम्यया, अपने बहन सुभद्रा का प्रिय करने के लिए। वो अतिशय खिन्न थी, बहुत शोक में थे, उसको थोड़ा सांत्वना देने के लिए कई एक महीना तक रुक गए। लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज से मंत्रणा करके, उनसे छुट्टी ले करके, और द्वारका जाने के लिए आरुरोह रथम, भगवान रथ पर बैठे। जेव ही लोगों को यह पता चला कि कृष्ण अब हस्तिनापुर से विदा हो रहे हैं, यहाँ से दूर चले जाएंगे, तो हस्तिनापुर के लोग बहुत भारी विरह का अनुभव करने लगे। खास करके जो स्त्रियां हैं, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, तो ये बहुत विरह अनुभव कर रही है। और पुरुष वर्ग भी, जैसे धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य, सब लोग इतना विरह अनुभव करने लगे कि उस विरह को सहन करना कठिन था। खास करके स्त्रियां विमुह्यंत, मूर्छित हो जाती थी, और यह बिल्कुल उचित था, क्योंकि उनका मन तो पूरा पूरा कृष्ण में लगा हुआ था, उनकी बुद्धि कृष्ण में रख दी गई थी, उनके साथ बात करते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे, उनका दर्शन करते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनके साथ भोजन करते थे, तो स्वाभाविक ही उनका चित्त पूरा पूरा कृष्ण में ही अभिनिविष्ट हो गया था। अब उनके दर्शन न मिलने से वे बहुत भारी शोक अनुभव कर रहे थे, और कह रहे हैं कि भगवान तो जाने ही वाले थे, और कोई भी भगवान से दूर नहीं होना चाहता था, और उनका मन तो बड़े तेजी से कृष्ण के तरफ धावित हो ही रहा था, वे निर्निमेष नयन से उनका दर्शन कर रहे थे। और ऐसा स्नेह का बंधन है, बाहर से कोई रस्सी नहीं बांधा गया था, लेकिन स्नेह के बंधन के कारण विचेलुस तत्र तत्र, जहाँ जहाँ कृष्ण जा रहे थे पीछे पीछे सब जा रहे थे। स्त्रियों के विषय में एक विशेष बात कही गई कि यद्यपि स्त्रियों को शोक हो रहा है, और उसके चलते उनके अश्रु आँख में भर रहे हैं, लेकिन फिर भी विवेक पूर्वक बल लगा करके अपने अश्रु को अंदर ही रोक रही है। उसके पीछे कारण यह है कि उनको भय है कि कृष्ण अश्रु दर्शन करके यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो हो सकता है कि उनका अमंगल हो, और कृष्ण का कोई अमंगल न हो, कृष्ण की यात्रा ठीक रहे, तो अपने अश्रु को रोक रही है। और युधिष्ठिर महाराज यात्रा के मंगल के लिए कई एक प्रकार के व्यवस्था किए, बाजे बजाए जा रहे हैं, और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, स्त्रियां छत पर चढ़ करके कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, और ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रही हैं। और अब चूंकि कृष्ण रथ पर बैठ गए हैं, और अर्जुन उनके
ऊपर छत्र लगाने के लिए छत्र को हाथ में ले लिए। उद्धव जी और सात्यकी जी दो सुंदर चामर हाथ में लिए हैं और ऊपर से पुष्प की वर्षा हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब एक विशेष बात कह रहे हैं कि जो स्त्रियां छत पर चढ़ी हुई हैं कृष्ण को देख रही हैं, और स्त्रियां कई एक ग्रुप की हैं, स्त्रियों की संख्या काफी है, तो कुछ स्त्रियां शांत रस में है, कुछ लोग माधुर्य रस में है, कुछ सख्य रस में है, तो ऐसे कई एक ग्रुप है। और स्त्रियां कृष्ण के रूप को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके, उनके तेज को देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ जाती। कुछ स्त्रियां हैं कि कृष्ण के तेज को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हैं, उनके चेहरे को देख करके कि बहुत आश्चर्य कर रही हैं। और कोई कोई स्त्री कहने लगी कि आश्चर्य क्या कर रही हो, यह देखिए। अब उनके आश्चर्य को शांत करने के लिए कोई कोई स्त्री बात करने लगे, तो कह रहे हैं कि अन्योन्यमाशित संजल्प, स्त्रियां कृष्ण के विषय में आपस में बात कर रही। और उससे बात के विषय में कह रहे हैं कि सर्वश्रुति मनोहर, उनके आपस का जो वार्तालाप है, बात है, तो सबके कान को खींच लिया, सबके मन को खींच लिया। यद्यपि वहां बाजे बज रहे थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, लेकिन ये घर गृहस्थी में रहने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, भोजन बनाने वाली स्त्रियां अब छत पर चढ़ करके और कृष्ण के दर्शन करके उनके विषय में आपस में बातचीत कर रही हैं, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि सर्वश्रुति मनोहर, सबका ध्यान उधर ही खींच गया, सबका मन खींच गया, सबका कान खींच गया। अब इतने आकर्षक थे कि अब बाजा इत्यादि को बंद कर दिया गया, और जो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे उसको भी रोक दिया। सब लोग स्त्रियों की बात सुनने लगे। अब एक प्रश्न होगा कि स्त्रियां तो कोई बहुत भारी विद्वान नहीं थी, उनके तरफ सब क्यों आकृष्ट हो गए? उत्तर दिया गया है कि भगवान के वार्ता की यह विशेषता, वो चित्त खींच ही लेता, वो सबके लिए मनोरम है। और दूसरी बात है कि उत्तम श्लोक चेतसा, खास करके तो हस्तिनापुर के स्त्रियां हैं तो उनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। पहले ही आप वर्णन सुन चुके हैं, तमनोद्रुत चेतसा, उनका मन तो कृष्ण में धारा की तरफ बह रहा है, उनका मन कृष्ण में लगा हुआ। कौर इंद्र पुरस्त्रीणा, नगर की स्त्री है, वे बात कर रही है और सबका मन उधर ही खींच गया, सब लोग सुनने लगे। सर्वश्रुति मनोहर, जो भी वहां उपस्थित था सबका कान खींच गया, मन भी खींच गया। और इतना ही नहीं, सर्वश्रुति मनोहर का एक अर्थ है कि जो श्रुतियां हैं, वेद शास्त्र हैं, उनका भी चित्त आकृष्ट हो गया, वो भी उन स्त्रियों का बात सुनने लगे। उसका कारण था कि वेद शास्त्र में कृष्ण का वर्णन है, वेद शास्त्र वर्णन करते हैं, लेकिन उनका अपना एक विधि है, उनका अपना स्टाइल है,
वे डायरेक्ट कृष्ण का निरूपण नहीं करते। वेद में कृष्ण का वर्णन है लेकिन अपरोक्ष नहीं, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष वर्णन नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ जो स्त्रियां बात कर रही हैं तो सीधे कृष्ण को दिखा करके डायरेक्ट उनका वर्णन कर रही है। तो इस दृष्टि से जो वेद में कृष्ण का निरूपण है, वेद के मंत्र जो कृष्ण का वर्णन करते हैं, उपनिषदों में जो वर्णन है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये स्त्रियों का आपस में बातचीत करना है। ये स्त्रियां कोई व्यासासन से प्रवचन नहीं कर रही है, केवल आपस में बातचीत कर रही है। लेकिन अब कृष्ण के विषय में बात कर रही है तो अपने आप में वस्तु के दृष्टि से भी उत्कृष्ट है। और स्त्रियों की स्थिति ऐसी है कि और यह आकर्षक हो जा रहा है। उत्तम श्लोक चेतसा, स्त्रियों के विषय में एक बात कह रहे हैं कि उनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। वास्तव में है, जीवन की सफलता तो इसी में है। ऐसा कहा गया है कि वृथैव जीवनम लोके भक्तिर ज्ञानोत्सवैर बिना, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, ज्ञानोत्सव नहीं है, तो यही समझिए कि उसका जीवन व्यर्थ गया। और कृष्णैकतान चित्तत्व मुक्ते रप्य अधिक मतम, और जिसका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है, निर्बाधित रूप से एक रस कृष्ण में लगा हुआ है, चित्त की धारा उधर, चित्त का विस्तार उधर है, तो यही समझिए कि मुक्ते रप्य अधिक मतम। भले ही वह व्यक्ति घर गृहस्थी में है लेकिन वो मुक्त पुरुष से भी उसका स्थान ऊपर है। कृष्ण में चित्त लगना मुक्ति से भी श्रेष्ठ कहा गया, मुक्ति से भी ऊपर है। और स्त्रियों का विशेषण है कि उत्तम श्लोक चेतसा, वे हैं स्त्री, और स्त्री भी वे गृहिणी हैं, बस घर के काम धंधा करने वाली हैं, लेकिन उनका चित्त पूरा पूरा भगवान में लगा हुआ और उसका प्रभाव आ रहा है कि उनके बात को सुनने के लिए सब बाध्य। वास्तव में कोई कृष्ण कथा बोल रहा है तो वक्ता के चित्त का प्रभाव पड़ता है। जो रियलाइज्ड सोल है, जो भगवान का अनुभव किए हैं, तो वे कुछ प्रवचन करते हैं तो उसका विशेष असर होता है। कोई भी भगवान की वार्ता है, महत्वपूर्ण है, लेकिन बोलने वाले का चित्त यदि भगवान में लगा हुआ है तो उसका विशेष महत्व है। और इन स्त्रियों का चित्त भगवान में लगा हुआ है। एक प्रश्न होगा कि स्त्री है, घर गृहस्थी में रहने वाली है, गृहिणी है, तो उनका चित्त भगवान में कैसे लग गया। और इस विषय में दो चीज ध्यान रखना चाहिए कि एक तो भगवान हस्तिनापुर में बार बार आते हैं तो डायरेक्ट कृष्ण को देखने का अवसर मिलता है, और दूसरी बात है कि हस्तिनापुर में बहुत सारे ऋषि मुनि आया करते हैं तो उनके मुख से श्रवण का अवसर मिलता है। ऐसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जब नारद जी युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद जी की कथा सुनाए, वो कथा सुनाने के क्रम में नारद जी वर्णन किए कि प्रहलाद को प्रत्यक्ष दर्शन मिला कृष्ण का, नृसिंह देव का। प्रहलाद बिल्कुल नृसिंह देव के निकट खड़ा होकर के और उनका दर्शन कर रहे हैं। नृसिंह देव उनके शरीर का स्पर्श कर रहे हैं, और जब इस सौभाग्य को सुने तो नारद जी थोड़ा सा खिन्न हो गए। खिन्न इस अर्थ में
कि प्रहलाद कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनको डायरेक्ट भगवान का दर्शन मिला, उनका स्पर्श प्राप्त हुआ। और नारद जी युधिष्ठिर महाराज के इस मानसिकता को समझ करके उनको आश्वासन देने लगे और कहने लगे कि जूयम निर्लोके बत भूरी भागा, कि इस संसार में तो आप लोग बहुत बड़भागी हैं, अरे प्रहलाद से भी आप लोगों का भाग्य अधिक है। भूरी भागा, और प्रहलाद की बात क्या है, प्रहलाद के जो गुरु हैं, प्रहलाद का गुरु कौन है, नारद जी, कि प्रहलाद के गुरु हम लोगों से भी अधिक आपका भाग्य है, क्योंकि लोकम पुनाना मुनयो भियंति, क्योंकि जो सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं वे मुनिगण आपके घर में आते हैं, लोकम पुनाना वे पवित्र करने वाले हैं, तो ऋषि मुनि आपके घर में आते हैं। घर में ऋषि मुनि क्यों आते हैं, तो जैसा गृह ना बसती थी साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंग, अरे आपके घर में तो जो पर ब्रह्म है तो वही तो मनुष्य के रूप में छिप करके रह रहा है, वो तो आपके घर में पर ब्रह्म रह रहा है, तो उसके दर्शन के लिए, उसके सानिध्य के लिए लोकम पुनाना मुनयो भियंति, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तो वे लोग आपके घर में आते हैं। तो भूरी भाग, आप लोग सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। तो बहुत सारे ऋषि मुनि हस्तिनापुर में आते थे, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ आते थे, और जो भक्त हैं तो उनका तो लक्षण ही दिया गया है कि यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन, भक्त जब मिलते हैं तो भगवान की वार्ता करते ही है, भगवान का जसो गान करते ही है, तो बार बार ऋषि मुनि लोग आते थे, वे आपस में कृष्ण की चर्चा करते थे, कृष्ण कथा करते थे, तो हस्तिनापुर के स्त्रियां भी पीछे बैठ करके सुनती थी, तो उनको कृष्ण कथा का सुयोग प्राप्त था, इसलिए उनका चित्त भगवान में लगा हुआ था। वास्तव में चित्त तो देखने और सुनने से ही लगता है, ऐसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अदृष्टात् श्रुतात् भावात् नो भाव उपजायते, जिस चीज को हम देखे नहीं सुने नहीं है तो उसका तो विचार मन में आता ही नहीं है। वे मन बहुत चंचल है, बहुत प्रबल है, लेकिन इसकी भी एक बाध्यता है, वह किसी विषय को प्राप्त करता है इंद्रियों के सहयोग से, मन द्वारे, मन कहीं जाता है तो इंद्रियों से ही निकल करके, इंद्रियां ही उसके लिए दरवाजा है। इसी से जिसको मन को शांत करना, तो भगवान गीता में सलाह देते हैं, तस्मात इंद्रियां डादो नियम में भरतर सब, मन को स्थिर करना है तो सबसे पहले इंद्रियों पर नियंत्रण करो, दरवाजा पर ही उसको रोक दो, प्रथम कार्य यही है। दूसरा अर्थ है कि तस्मात इंद्रियां आदव नियम में भरतर सब, आदव मतलब जीवन के प्रारंभ में, जीवन के प्रारंभ में बाल्यावस्था में ही अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें तो उनका मन नियंत्रित रहे। और देखिए भक्तों के समाज में ये प्रश्न उठता रहता है, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हमारा मन भगवान में कैसे लगे। महाराज हम लोग जॉब करते हैं और मन इधर उधर जाने लगता है, पर थोड़ा दिन भर क्या क्या किए हैं उस पर भी विचार करेंगे, दिन भर तो नेट खोले रखते हैं तो अब जॉब के समय मन कहाँ जाएगा।
तो कहीं भी मन जाता है देखने से और सुनने से, इतना जरूर है कि केवल इसी जन्म में सुनने का प्रभाव नहीं है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वर गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। कोई कोई प्रश्न कर सकता है ना कि हम तो कभी कुछ देखे नहीं, ऐसा चीज देखे नहीं, वो भी मन में आ जाता है, सपना में वो भी देखने लगते हैं। सिद्धांत समझना चाहिए कि जो पूर्व के जीवन में देखे हैं या सुने हैं, इंद्रियों से संसर्ग है, तो वह भी संस्कार रूप से हृदय में रहता है। संस्कार रूप से मतलब सूक्ष्म रूप से। संस्कार का क्या स्वरूप होता है इस बात को आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ कोई एक कैमरा लगाया गया, सब रूप को ले रहा है, शब्द को ले रहा है, और ये 2 घंटा 4 घंटा वीडियोग्राफी करते हैं इवेंट का, लेकिन उसको सब दृश्य को थोड़ा सा चिप कहते हैं पेन ड्राइव, उसमें डाल देंगे। तो जितना भी दृश्य है तो पेन ड्राइव में है ना, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है। अब उसी पेन ड्राइव को किसी डिवाइस में डालेंगे और अवसर पा करके वो सब दृश्य आने लगेगा। तो उसी तरह हम जो भी शरीर ग्रहण किए, शरीरम यद वाप्नोति यच्च उत्क्रामति, जिसको हम त्याग किए हैं, और सबका सबको ले करके आगे बढ़ता है, तो संस्कार रूप से है। इतना जरूर है कि जो पूर्व का संस्कार है तो वर्तमान के संस्कार से धूमिल हो जाता है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे दीपक में तेल है, अब तेल है तो दीपक जलता रहता है, और कभी अब तेल समाप्त हो जाए फिर भी दीपक चलता है। क्यों जलता है कि बाती में तो तेल है ना, लेकिन अब फिर नया तेल ना डालें तो बाती भी जल जाएगा, दीपक बुझ जाएगा। उसी तरह हम लोगों के चित्त में बहुत बहुत संस्कार है, वो कभी कभी प्रभावित कर देता है, और उसमें दो चीज है, एक तो प्रबल संस्कार आ जाएगा तो वह संस्कार दब जाएगा। आप लोग है जानते हैं कि कोई एक मैसेज रहता है, लेकिन नया नया बहुत मैसेज आ जाए तो अब कहाँ गर्त में चला गया, फिर उसको खोजना कठिन होता है। तो उसी प्रकार यदि कृष्ण का संस्कार डाल दें तो विषय का संस्कार वो विलीन हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, दब जाएगा। और मान लीजिए कि कदाचित दबा भी नहीं है, ध्वस्त नहीं हुआ है, तो अब इंद्रियों का संयोग छोड़ देंगे तो दीपक के समान उज्जवल करके खत्म हो जाएगा। तो यह सिद्धांत है। हस्तिनापुर के स्त्रियों के विषय में कह रहे हैं कि उत्तम श्लोक चेतसा, उनका मन कृष्ण में लगा हुआ, उत्तम श्लोक जिनका स्तुति, जिनकी प्रशंसा अच्छे अच्छे श्लोकों से किया जाता है, और वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। बात का अवसर उपस्थित हो गया कि कोई कोई स्त्री बहुत आश्चर्य में, करे इतना सुंदर व्यक्ति हो सकता है, इतना तेज हो सकता है, और उसके आश्चर्य को देख करके कोई स्त्री कह रही है, सवै किलायम पुरुषः पुरातन एक आसेद विशेषयात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनिश्वरे निमीलितात्मन निसुप्त शक्तिषु। कोई स्त्री कह रही आश्चर्य में क्या पड़ी हो, वो जानती हो ये कौन है। ये कह रहे हैं कि अग्रे गुणेभ्य, अभी
प्रकृति के गुण क्षुभित नहीं हुए थे, सृष्टि का कार्य नहीं चल रहा था, और जो भी जीव हैं तो वे जगदात्मा में लीन थे, प्रकृति के जो अंतर्जामी पुरुष हैं उसमें लीन थे। जीव लीन थे इसका अर्थ है कि जीव की जो उपाधि है वे लीन थे, और यह एक आशीर अविशेष आत्मनि, जहां कोई प्रपंच नहीं था, कोई नाम रूप नहीं है, कोई विशेष नहीं है, अविशेष, तो उस समय यह एक आशीर जो अकेले उस समय था, अरे भाई उस समय था वो कोई आधार तो होगा, वो अकेले कैसे था। अब मान लीजिए किसी के विषय में कहा जाए कि वह एक व्यक्ति है, तो है तो कहीं तो होगा ना, घर में होगा, ये कुर्सी पर होगा, कुछ आधार चाहिए ना। लेकिन हस्तिनापुर की स्त्रियां कहते हैं ना, उनके लिए आधार की जरूरत नहीं है, आत्मनि, वे अपने में ही स्थित थे, उनके आधार, उनका आधार कोई अलग से नहीं है, वे अपना खुद ही आधार हैं। तो कह रहे हैं कि अग्रे गुणेभ्यो, अभी सृष्टि का कार्य स्थगित था, प्रकृति के गुण साम्यावस्था में थे, कोई क्षोभ नहीं था, और उस समय जो व्यक्ति था पुरुष पुरातन, जो पुरातन पुरुष है अनादि काल से है, तो वही ये व्यक्ति हैं, इनका परिचय समझ लो, आश्चर्य मत करो, जो सृष्टि के पहले रहते हैं वो वही हैं। एक चीज है समझना चाहिए कि ये जो प्राकृत जगत है वो इसका दो स्वरूप है, एक को सप्रपंच कहते हैं और एक को निष्प्रपंच कहते हैं। कुछ कुछ समय आता है कि बहुत सारे नाम रूप हैं, बहुत सारे वस्तु हैं, लेकिन एक समय आता है कि कोई नाम रूप नहीं है, और उसको निष्प्रपंचावस्था कहते हैं। लेकिन भगवान दोनों अवस्था में लीला करते रहते हैं। तो यहाँ स्त्रियां कह रही हैं कि जो भगवान प्रपंच के साथ कोई संबंध नहीं रखते, प्रपंच से कोई संपर्क नहीं है, अभी प्रपंच है ही नहीं है तो संपर्क का कोई सवाल ही नहीं है, तो सुप्त शक्ति से जो भी उपाधि है, शक्तियां हैं, वे सुप्तावस्था में हैं, और उस समय जो अकेले विहार करते हैं, अकेले रहते हैं, और वही यह पुरुष हैं, ये कोई दूसरा नहीं है, वही है, इसलिए तुम आश्चर्य मत करो। और भगवान तो हमेशा विहार करते रहते हैं, चाहे ये सृष्टि रहे या न रहे, इस पर भगवान पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। श्रुतियां कहती है कि चरे निगम ऐसे शरत, जब सृष्टि का कार्य चलता है तो उस समय भी भगवान विहार करते हैं, और सृष्टि का कार्य स्थगित है तो आत्मनि वे अपने आप में पूर्ण विहार करते रहते। तो यहाँ कह रही हैं स्त्रियाँ कि यह एक आशित जो अकेले थे, वो अकेले का अर्थ है समझना चाहिए, अकेले का अर्थ है यह नहीं समझना चाहिए कि उनके साथ कोई नहीं था। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि हम अकेले वहाँ गए थे, वो अकेले गए थे तो हमारा मुंह भी वहाँ गया ना, हमारा नाक भी वहाँ जाएगा ना। अकेले कहने का ये अर्थ नहीं है कि हमारा नाक वहाँ नहीं गया, मुंह नहीं गया,
भाई अकेले गया तो हमारा जो अंग है तो जाएगा ही, तो भगवान अकेले रहते हैं और फिर भी उनका धाम रहता है, उनके परिकर रहते हैं। तो यह कभी भ्रम नहीं करना चाहिए कि भगवान भूत जैसा अकेले रहते हैं। जैसे कोई कहे कि वृंदावन में राष्ट्रपति आ रहे, तो राष्ट्रपति आएंगे एक व्यक्ति है, लेकिन कई एक गाड़ियां आती हैं, सिक्योरिटी वाले पहले आते हैं, उनके सेक्रेटरी है, प्रोग्राम एक व्यक्ति का राष्ट्रपति का, लेकिन कई एक लोग आते हैं ना। तो उसी तरह यह जो कहा जा रहा है कि भगवान अकेले थे, और इसका अर्थ समझना चाहिए कि उनके परिकर भी साथ में रहते हैं, वो परिकर से रहित नहीं रहते। तो कुछ स्त्रियों के आश्चर्य को देख करके, वे उनको आश्चर्य को शांत करने के लिए करें कि इस पुरुष को समझो जो सृष्टि के पहले अकेले रहता है, वही है, उससे भिन्न नहीं है, वही है। और सएव भूयो निजवीर्य चोदिता स्वजीव मायम प्रकृतिम से सृक्षति अनाम रूपात्मन रूप नामन विधित समान अनुससार शास्त्र के। और कह रहे हैं कि सएव भूय, वही व्यक्ति फिर प्रकृति का अनुगमन करता है। एक अवस्था है कि प्रकृति से कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल अपने आप में वे लीला विलास कर रहे हैं, लेकिन एक अवस्था है कि प्रकृति का अनुगमन करते हैं। प्रकृति के विषय में कह रहे हैं स्वजीव माया प्रकृति से सृक्षति, प्रकृति को स्वजीव माया, स्वजीव जितने भी चित्तकण हैं, प्राणी हैं, तो भगवान के अंश हैं। जो भी जीवात्मा है तो भगवान के अंश है। और इस अर्थ में कह रहे हैं कि स्वजीव, जीव तो भगवान के उनके हैं, लेकिन माया उनको जो मोहित करे उसको कहा जाएगा स्वजीव माया। और निजवीर्य चोदिता, भगवान ही अपने शक्ति से, काल शक्ति से उसको प्रेरित करते हैं, क्षुब्ध करते हैं। और जब काल शक्ति से प्रेरित हुई प्रकृति तो सृक्षति वो सृष्टि करना चाहती है। जब सृष्टि करने के इच्छुक है, वे क्या सृष्टि का मतलब है, तो अनाम रूपात्मन रूप नामन विधित समान। अब भगवान प्रकृति को देखते हैं कि सृष्टि करना चाहती है, तो अनाम रूपात्मन जो जीव है, जिसके उपाधि सब लीन है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो उनको रूप और नाम देने के लिए, रूप और नाम का विधान करने के लिए अनुससार वे प्रकृति का अनुगमन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और भगवान के लिए एक शब्द है शास्त्रकृत, जो शास्त्र बनाने वाले हैं। और एक अवस्था है कि प्रपंच से कोई संपर्क नहीं है, भगवान अपने परिकरों के साथ लीला विलास में रहते हैं, लेकिन जब प्रकृति सृष्टि करना चाहती है तो भगवान उसका अनुगमन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। देखिए इस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं, कोई स्त्री है वो गर्भ धारण करना चाहती है, तो उसको अपने पति का संपर्क आवश्यक, पति के संपर्क से ही वो गर्भ धारण कर सकती है। जैसे पत्नी की इच्छा है गर्भ धारण की, तो पति उसका अनुगमन करता है, उसको स्वीकार करता है। तो वैसे सृक्षति, जब प्रकृति सृष्टि करना चाहती है तो भगवान उसका अनुसरण करते हैं, उसके इच्छा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। क्यों है, क्या जरूरत है, तो कह रहे हैं कि अनाम रूपात्मन रूप नामन विधित समान, भगवान
नाम और रूप प्रदान करना चाहते हैं। देखिए, जीव के हृदय में वासना है, वो जब तक उसको कुछ रूप नहीं प्राप्त होगा, शरीर नहीं प्राप्त होगा, विषय नहीं प्राप्त होगा, तो अपने वासना को संतुष्ट कैसे करेगा, कैसे भोग करेगा। कभी कभी प्रश्न किया जाता है कि भगवान को सृष्टि की क्या आवश्यकता है, किस लिए सृष्टि करते हैं। भगवान को सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं, वो किसी उद्देश्य से सृष्टि नहीं करते, वे तो खेल खेल में सृष्टि करते। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो खेलते रहते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि उसी में डेरा जमाएंगे, रहेंगे, घर बनाते हैं, फिर मिटाते हैं, तो खेल खेल में घर बनाते हैं, उसको लतालुती करके नष्ट कर देते हैं। तो भगवान भी खेल खेल में ही सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, लेकिन फिर भी इसके पीछे एक उद्देश्य है। तदपेक्षया ननुपेक्षा, भगवान की कोई सृष्टि की अपेक्षा नहीं है, लेकिन तद अपेक्षया जीवों को सृष्टि की आवश्यकता है। उनके उनमें वासना है, तो वासना को संतुष्ट बिना सृष्टि के नहीं कर सकते। तो भगवान जीवों के इंद्रिय भोग के लिए सृष्टि का विधान करते हैं, नाम रूप का विधान करते हैं, लेकिन शास्त्रकृत, भगवान शास्त्र का निर्माण करते हैं। यदि शास्त्र के अनुसार कोई भोग करे तो अंततः उसको मुक्ति मिल जाएगी। और एक तरह से भगवान जो सृष्टि का विधान किए हैं वो जीवों के मुक्ति के लिए, लेकिन यदि जीव शास्त्र का अनुसरण नहीं कर रहा, भगवान जो विधान दिए हैं उसका अनुसरण नहीं करेगा, मनमाना करेगा, तो और बंधन बढ़ते जाता है। तो रथ पर बैठे हुए कृष्ण का परिचय दे रही स्त्रियां कि वही व्यक्ति है जो सृष्टि के पहले थे, और ये वही है जो सृष्टि करने के लिए, नाम रूप देने के लिए प्रकृति का अनुसरण करते हैं, यही शास्त्र बनाया है। और सवा अयम यत पदमत्र सूर्यो जितेंद्रिया निर्जित मातरिश्वन पश्यन्ति भक्त्युत्कलिता मलात्मना ननवेश सत्वम परिमाष्टु मरहति। कह रही है हस्तिनापुर के स्त्रियां कि हम लोगों का बहुत भारी भाग्य है कि कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है। कृष्ण का दर्शन बहुत दुर्लभ है। कह रहे हैं कि सवा अयम यत पद मत्र सूर्यो जितेंद्रिया निर्जित मात ऋष्वन, यानी कि इनका दर्शन तो वे व्यक्ति प्राप्त करते हैं जो अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण किए, और निर्जित मातरिश्वन प्राण पर विजय प्राप्त किए हैं, इंद्रियों को नियंत्रित रखे हैं और विवेकी हैं, और उनका चित्त जब भक्ति के उद्रेक से, भक्ति के उत्थान से अमल हो जाता है, तब पश्यन्ति, वो भगवान के दर्शन के लिए योगी जन अपने प्राण पर नियंत्रण करते, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते, और भक्ति के प्रभाव से जब अपने मन को निर्मल करते हैं तब इनका दर्शन प्राप्त करते हैं। हम लोगों का कितना भाग्य है कि इनका सीधे दर्शन प्राप्त हो रहा है। भक्ति उत्कलित अमलात्मना, भक्ति के विकास से, भक्ति के उत्थान से जब मन शुद्ध हो जाता है तब कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है। अब एक सवाल होगा, एक प्रश्न उठेगा कि भाई कैसे मन शुद्ध होगा, हम लोगों का तो स्तर नहीं है। कह रहे कि ननवेश सत्वम परिमाष्टु मरहति,
भक्ति ही चित्त को शुद्ध करता है। शुद्ध चित्त से भक्ति का उत्थान करते हैं तो कृष्ण का दर्शन होता है। तो प्रश्न होगा कि चित्त कैसे शुद्ध होगा, तो भक्ति से शुद्ध होगा। या दूसरा अर्थ है कि अब जिससे व्यक्ति का दर्शन, बड़े बड़े योगी अपने इंद्रियों का नियंत्रण करके प्राण पर विजय प्राप्त करके शुद्ध चित्त में करते हैं, तो ननवेश सत्वम परिमाष्टुमर्हति, वही व्यक्ति हम लोगों के बुद्धि को मार रहा। मतलब कृष्ण यहां से चले जाएंगे तो हम लोग कैसे अपने को स्थिर रख पाएंगे, हम लोगों के तो बुद्धि का ही लोप हो जाएगा। हम क्या करें, कैसे रहें, कुछ विचार नहीं आता है। और जिसका योगी लोग दर्शन करते हैं, वे हमारे बुद्धि को नष्ट कर रहा है। और आगे वे कह रही है कि सवा अयम सख्य अनुगीत सत्कथो वेदेश गुह्य सुच गुह्यवाद भी य एक ईशो जगदात्म लीलया सृजति अवति अति न तत्र सज्जते। यानी कि यह वही व्यक्ति हैं जिसका वेदों में गुणगान किया गया, सत्कथा वेदों में इनका ऐसा निरूपण किया गया है जो सत्य है। सत्य कहने का अर्थ है कि जो इटर्नल है, सदा रहने वाला है। एक कृष्ण की, कृष्ण का गुण ही सत्कथा है। किसी व्यक्ति के विषय में कुछ वर्णन करते हैं तो सत्य नहीं हो सकता। जैसे किसी व्यक्ति को कहिए कि यह बहुत सुंदर है, यह युवक है, लेकिन यह सत्य कथा नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदा युवक नहीं रहेगा। आज युवक है, कल बुढ़ा हो जाएगा। लेकिन कृष्ण के विषय में कुछ वर्णन है तो सत्य कथा है, इस अर्थ में कि वह कभी झूठा नहीं होता है। यहां किसी संसार, यहां के संसार में किसी का वर्णन कर दीजिए, अरे वह तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये कथा सत्य नहीं है। कुछ दिन के बाद वो रूप बदल जाएगा, बहुत सुंदर नहीं रहेगा। एक समय तो वर्णन करते हैं कि चंद्रमा के समान मुख है, और वही 20-30 साल के बाद, 40-50 के साल बाद वो निचोड़े हुए आम के समान हो जाता है। देखते हैं ना, तो यहां किसी का वर्णन किया जाए तो सत कथा नहीं है। कृष्ण के विषय में कह रही है कि सवा अयम सख्य अनुगीत सत कथा, यह वही व्यक्ति है हे जो सत कथा है, इनकी कथा सत्य है। कहां कथा बोली गई, वेदेशु गुह्येशु च गुह्यवाद भी, क्योंकि वेद में इनकी कथा है, लेकिन गुह्येशु गुह्यवाद भी, वेद में जो वर्णन है तो बड़ा ही गुह्य है, स्पष्ट नहीं है। और गुह्यवादी भी जो वर्णन किए हैं तो वे भी छिपा करके वर्णन किए। भगवान के विषय में बहुत बहुत वर्णन है वेद में, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, परोक्ष रूप से वर्णन किया गया। कोई कोई महत्वपूर्ण बात है तो उसको छिपा करके अधिकारी को ही बतलाना पड़ता है। यदि उसको ऐसे ओपन वर्णन कर दीजिए तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। और इसी से भगवान को तो निराकार कहा गया है, भगवान का वर्णन है लेकिन निराकार कहा गया है। अब सीधे भगवान का वर्णन कर दिया जाए तो आदमी यही समझेगा कि हम लोगों जैसे हैं, उनके आकार का वर्णन कीजिए तो लोग अब अपने से दिमाग लगा देंगे कि तब एक दिन वो भी बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे,
तो भगवान का रूप प्राकृत नहीं है और इसलिए उनको निराकार कहा गया, लेकिन उनके रूप का भी वर्णन किया गया। उपनिषद में कहा गया है कि अपाद पाणि जवनो ग्रहीता, भगवान को पैर नहीं है, हाथ भी नहीं है, लेकिन बड़े तेज दौड़ते हैं और किसी चीज को पकड़ लेते हैं। तो इसको गुह्य निरूपण कहा जाएगा। आशय यही है कि भगवान ने का जो हाथ है वो प्राकृत नहीं है, हम लोगों के हाथ जैसा नहीं है, लेकिन हम लोगों जैसा हाथ हो या ना हो, भगवान को पकड़ने की क्षमता हम लोगों से कई एक गुना अधिक है। उनको पैर नहीं है, हम लोगों जैसा पैर नहीं है, लेकिन दौड़ने की क्षमता हम लोगों से कई एक गुना अधिक है। अपाणि पादो जवनो ग्रहीता, कान नहीं है लेकिन सुनते हैं, आंख नहीं है लेकिन देखते हैं। गुह्यवादी भी, ये बिल्कुल अस्पष्ट वर्णन नहीं है। अस्पष्ट वर्णन करने में व्यक्ति भगवान पर भौतिक रूप का आरोप कर देगा, एकदम अपने जैसा समझने लगेगा। लेकिन कह रही हैं स्त्रियां कि सवा अयम सख्य अनुगीत सत्कथ वेदेश गुह्य सच गुह्य बाधि, यह एक ईशो जगदात्म लीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। और भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में एक बात कह रही है कि वही ईश है, नियामक है और जगदात्मा है, और खेल खेल में जगदात्मा सबको चेतन करने वाले हैं, और खेल खेल में सृजति अवति और अति वे लीला में सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और नाश कर देते, और न तत्र सज्जते, सृष्टि करते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते। देखिए कई एक लोग प्रश्न करते हैं कि आदमी और भगवान में क्या अंतर है, तो बहुत भारी अंतर है। कोई आदमी है छोटा छोटा चीज का निर्माण करता है, उसी में आसक्त हो जाता है, एक पौधा लगा दिया उसमें आसक्त हो जाता है, और कहीं बेटा बेटी पैदा कर दिया तब तो कितना आसक्त हो जाता है इसकी सीमा ही नहीं है, घर बना दिया उसमें आसक्त हो जाता है, छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन भगवान की विशेषता है कि सारे सृष्टि का निर्माण किए, उसका पालन भी करते, नाश करते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते। जैसे हवा है तो बढ़ता रहता है, कहीं रुकता नहीं, आसक्त नहीं होता है। तो भगवान तो हवा के समान एकदम अनासक्त है, आकाश के समान निर्लेप है। जैसे आकाश है तो आकाश के सब जगह सत्ता है, सबसे संपर्क है, लेकिन किसी के गुण दोष से वो प्रभावित नहीं होता, एकदम निर्लिप्त है। तो भगवान ने बहुत प्रकार के सृष्टि किए, उसका पालन भी कर रहे हैं और उसका नाश भी कर देते हैं, लेकिन न तत्र सज्जते, वहां वे आसक्त नहीं होते। यदा यह धर्मेण तमो धिया नृपा जीवंत तत्र से सत्वतः किल धत्ते भगम सत्य मृतम दया जसो भवाय रूपाणी ददत जुगे जुगे। और कह रहे हैं कि यही पुरुष है जब अधर्म पूर्वक लोग जीने लगते हैं, धर्म का लोप हो जाता है, तो वे अपने ऐश्वर्य के प्रकाशन के लिए, सत्य के प्रकाशन के लिए, दया के प्रकाशन के लिए जुग जुग में अवतार धारण करते। तो इस प्रकार जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं तो आपस में बातचीत कर रही है, लेकिन जो वेद का सिद्धांत है, शास्त्र का सिद्धांत है, और उसको बिल्कुल सरल शब्दों में, अस्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर रही,
इतना उनका वर्णन स्पष्ट है कि वेद शास्त्र भी आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं, वे भी सुन रहे हैं कि इतना सुंदर निरूपण हो सकता है। अब वे एक बात कह रही है कि जिसका भगवान से संबंध है, कृष्ण से संबंध है, तो वे बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत प्रशंसनीय है। और कृष्ण से जिसका संबंध है तो वह बहुत प्रशंसनीय है। और इस विषय में कह रही हैं कि अहो अलम श्लाघ्यतमम जदह कुलम, अहो अलम पुण्यतमम मधुर्वनम, जदेश पुंसाम ऋषभ श्रिय पति स्वजन्मना संक्रमणे न चंचति। अहो अलम श्लाघ्यतमम जदह कुलम, अहो अलम पुण्यतमम मधुर्वनम, जदेश पुंसाम ऋषभ श्रिय पति स्वजन्मना संक्रमणे न चांचति। कृष्ण के संबंध की महिमा का गान कर रही है, कह रही है कि जदह कुलम श्लाघ्यतमम, जद कुल श्लाघ्यतमम है। ये श्लाघ्यतमम इस शब्द को समझिए, एक कई एक डिग्री होता है। अंग्रेजी में इसको स्पष्ट किया गया है क्या, पॉजिटिव कंपरेटिव और सुपरलेटिव कहते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट। उसी तरह संस्कृत में श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय, श्लाघा के योग्य, प्रशंसा के योग्य। लेकिन इससे भी ऊपर है श्लाघ्यता, श्लाघ्यतर, और उसके ऊपर या सबके ऊपर श्लाघ्यतम। तो कह रहे हैं कि अहो अलम पुण्यतम जदह कुलम। महाराज जदू का जो वंश है तो वह श्लाघ्यतम है, सबसे अधिक प्रशंसनीय है। और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रही है, लेकिन फिर भी इनको संतोष नहीं है। क्या कह रही हैं कि अलम श्लाघ्यतम, श्लाघ्यतमम कहने से ही यह व्यक्त हो रहा है कि सबसे अधिक प्रशंसनीय है। लेकिन क्योंकि कृष्ण का संबंध है और इतना पर ही उनको संतोष नहीं है। अलम श्लाघ्यतमम, अलम मतलब एक्सट्रीमली, अलम अतिशय के अर्थ में। कोई कह दिया, कोई कह दे कि बेस्ट प्लेस है, तो बेस्ट प्लेस मतलब जितना आसपास का प्लेस है, जगह है, तो उसमें सबसे अच्छा है। लेकिन अब किसी किसी को इस पर भी नहीं संतोष होगा, तो एक्सट्रीमली बेस्ट प्लेस, तो थोड़ा अर्थ बदल जा रहा है ना। तो वैसे जदुकुल के विषय में कह रही है कि अलम श्लाघ्यतम, और स्थान के विषय में कह रही है कि अहो अलम पुण्यतम मधुर वन। जो मथुरा मंडल है, ब्रजमंडल है, तो यह अलम पुण्यतम है। पुण्य मतलब पवित्र या सुंदर, पुण्यतर, और सबसे सुंदर के लिए कहा जाएगा पुण्यतम। लेकिन कह रहे हैं कि अलम पुण्यतम, यह एक्सट्रीमली चार्मिंग है। तो कैसे ये हो गया, यदेश पुंसम ऋषभ प्रिय पति स्वजन्मना संक्रमणे न चांचति। यानी कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ लक्ष्मी के पति हैं, तो वे अपने जन्म से और अपने
गमन से, चलने से इसको सत्कृत कर रहे, इसका आदर कर रहे। कृष्ण जन्म ले करके यदुवंश को सत्कृत कर रहे, इसका आदर दे रहे हैं, और इसलिए ये सबसे प्रशंसनीय। और मधुबन में वे संक्रमण करते चलते हैं, तो इसलिए यह सबसे पुण्यतम, सबसे पवित्र स्थान है, यह सबसे सुंदर स्थान है। तो भगवान का संबंध हो जाने से यह प्रशंसनीय बन गया। भगवान जदुकुल में जन्म ले लिए तो यह अतिशय प्रशंसनीय हो गया। ऐसा कुंती देवी कहती हैं कि अरे भगवान जदुकुल के प्रशंसा के लिए, जदुकुल के कीर्ति को बढ़ाने के लिए ही इसमें जन्म लिया। भगवान के अवतार के विषय में विचार कर रही कुंती देवी, तो उसमें एक बात कह रही हैं कि केचिदाहु रजम जातम पुण्य श्लोक से कीर्तये जदोह प्रियस्यानुवाये मलय सेव चंदन। कोई कोई कहता है कि भगवान जदुवंश के कीर्ति को बढ़ाने के लिए जन्म लिए, नहीं तो अजस्य भगवान का जन्म नहीं होता है, वे अजन्मा है। केचिदाहु रजम जातम, उनका जन्म होता ही नहीं, अजन्मा है, अब फिर भी जन्म लिए, काहे को जन्म लिए, क्या उद्देश्य है? पर जदु महाराज उनके इतने प्रिय हैं कि उनके वंश को कीर्ति बढ़ाने के लिए, या उनसे संबंधित युधिष्ठिर महाराज के कीर्ति को बढ़ाने के लिए जन्म ले लिए, वो बढ़ाने के उद्देश्य से ही, उसके महिमा को बढ़ाने के उद्देश्य से जन्म लिए, नहीं तो अजम है, उनका जन्म नहीं होता है। जन्म लेने से जदुकुल का महिमा बढ़ गया, उसकी प्रशंसा होने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वर्णिष्यामि महापुण्यम सर्व पाप हरम निर्णम, कि अब हम उस वंश का वर्णन करेंगे जो सब पाप का हरण करने वाला है और महापुण्य है। जदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पाप ही प्रमुच्यते। वे किस वंश का वर्णन कर रहे हैं? कहें जदुवंश का। केवल है जदुवंश के नामावली को कोई सुन ले तो सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। वे ऐसी महिमा क्यों हो गई? तो यत्रावतीर्ण भगवान परमात्मा निराकृति, क्योंकि इसी वंश में भगवान मनुष्य के रूप में अवतार ग्रहण किए। वे तो परमात्मा हैं, लेकिन इस वंश में अवतार ग्रहण किए, जन्म ग्रहण किए, और इसलिए इसकी इतनी महिमा हो गई कि इस वंश के नामावली को सुन लेने पर व्यक्ति सब पाप से मुक्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अपने जन्म से जदुकुल को प्रशंसनीय बना दिए। बहुत जगह जदुकुल की प्रशंसा की गई। एक बार की घटना है कि सूर्य ग्रहण लगा, सर्वग्रास सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का ज्ञान पहले ही हो जाता है। जो ज्योतिष विद्या के जानकार हैं तो इसके घोषणा कर देते हैं। तो एक सर्वग्रास ग्रहण लगने वाला था, तो श्रेयो विधित सया, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर कोई अपना श्रेय करता है, दान पुण्य करता है, तो उसका फल बहुत अधिक होता है। तो श्रेयो विधित सया, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए भारत के सब हिस्सा से लोग, सब भाग से, सब एरिया से कुरुक्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगे। दो चीज है, स्थान की महिमा है और काल की महिमा है। कोई कोई स्थान है कि वहां कुछ पुण्य संपादन कीजिए तो उसका फल हजारों गुना अधिक हो जाता है। कोई कोई समय ऐसा होता है कि उस समय दान पुण्य कीजिए तो उसका फल बहुत अधिक हो जाता है। अब चूंकि सूर्य ग्रहण लग रहा था तो काल के दृष्टि से बहुत अच्छा था, श्रेय विधान के लिए अपना
मंगल विधान करने के लिए। लेकिन सब लोग कुरुक्षेत्र जा रहे थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उस अवसर पर कुछ दान पुण्य करना, स्नान करना और अधिक मंगलकारी हो जाता है। कुरुक्षेत्र की यह महिमा है कि यज्ञ करने के लिए देवता लोग भी वहां आते हैं, स्वर्ग से कुरुक्षेत्र में आते हैं। आप लोग देखते हैं ना, किसी को कुछ अनुष्ठान करना है, मुंडन करना है, अन्नप्राशन करना, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं। देवताओं को कुछ अनुष्ठान करना होता है तो स्वर्ग से कुरुक्षेत्र में आते हैं। कुरुक्षेत्रम देव यजनम, ऐसा वेद में वर्णन है कि देवताओं का भी यजन स्थान है। वो भारत में भी प्रसिद्ध है, आज भी कुरुक्षेत्र में बहुत लोग जाते हैं, ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। और जब कुरुक्षेत्र ने सूर्य ग्रहण का अवसर आ रहा था तो भारत से सब लोग, भारत के सब हिस्सा से लोग वहां जा रहे थे। और जब ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण बलराम भी आ रहे, ज्यादा लोग भी आ रहे हैं, तो ब्रजवासी भी गए वहां। वहां सब पहुंचे ज्यादा लोग तो बहुत राजकीय ठाट में गए। उनका जो रथ था तो लग रहा था कि स्वर्ग का विमान हो, और जो पालकी ढोने वाले थे वे लग रहे थे कि विद्याधर हो। और जा करके वे लोग पहले उपवास किए। तीर्थ में जाने का विधान है कि जिस दिन जाते हैं तीर्थ में तो उस दिन उपवास करना चाहिए, उस दिन भोजन का विधान नहीं है। और इसके बाद वे लोग स्नान किए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, स्वादिष्ट भोजन कराए, भोजन करा रहे थे, दान दे रहे थे। लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य था कृष्ण भक्ति रस्तुन, कृष्ण में हमारी भक्ति बढ़े। इसके बाद वे लोग विश्राम करने लगे। विश्राम करने के लिए कोई गेस्ट हाउस नहीं था, देख करके वृक्ष के नीचे अपना अपना कैंप लगाए थे। फिर जादव जिधर कैंप लगाए थे तो सब राजा लोग उधर ही आने लगे, और कृष्ण बलराम से मिलने के लिए, जादवों से मिलने के लिए सब लोग आ रहे थे। जादव लोग भी उनका खूब अच्छा से सत्कार कर रहे थे। जब राजा लोग वहां जुटे तो वे लोग यादवों को संबोधित करके कहने लगे कि अहो भोजपते जुयम जन्म भाजो निर्णाम्य, यानी कि मनुष्य जाति में जन्म लेना तो आप लोगों का सार्थक। अहो भोजपते जुयम जन्म भाजो निर्णाम्य, बहुत बहुत मनुष्य जन्म लिए हैं लेकिन जन्म भाजा जन्म के लायक तो आप लोग हैं। भोज वंश में, यदुवंश में जो जन्म लिए हैं वही जन्म के लायक है, उन्हीं का जन्म सार्थक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? यत पश्यत सकृत कृष्णम दुर्दर्शनम अपि योगिना, कि जिन कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, तो उस कृष्ण का असकृत आप लोग निरंतर दर्शन करते रहते, और केवल दर्शन ही नहीं करते, उनके साथ आप बैठते हैं, उठते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, बात करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं, तो वास्तव में जन्म लेना आप लोगों का सार्थक। हस्तिनापुर के स्त्रियां कह रही हैं कि कृष्ण से जिसका संबंध है वे प्रशंसनीय, और इस दृष्टि से जदकुल सबसे अधिक प्रशंसनीय। और जहाँ क्षेत्र की बात है तो कह रहे हैं कि अहो अलम पुण्यतम मधुरवन, ये मधुवन ब्रजमंडल अतिशय प्रशंसनीय, सबसे अधिक प्रशंसनीय, क्योंकि संक्रमणे न चांचति, भगवान यहाँ चल करके या भ्रमण करके इसका इसको सत्कृत किया। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है जब कृष्ण बलराम
गोचारण के लिए निकले और कह रहे हैं कि समम पद ही अपने चरण चिन्ह से इसको अतीव पूर्ण पूर्ण चक्रतु अतीव सुंदर बना दिए। और कृष्ण बलराम ब्रजमंडल का सम्मान करते, कृष्ण या कभी भी जूता नहीं पहनते ब्रज में, वे कभी जूता चप्पल नहीं पहने, तो डायरेक्ट उनके चरणों का स्पर्श मिल रहा है। और इसलिए ये ब्रजमंडल सबसे अधिक प्रशंसनीय, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक पवित्र करने वाला है। और कह रहे ब्रजमंडल तो पहले से ही पुण्यतमम है, लेकिन भगवान के संक्रमण से, उनके चलने से ये और अधिक सुंदर हो गया। तो भगवान ब्रजमंडल का सत्कार कर रहे हैं यहाँ चल करके। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि ततश्च पौगंड वयः श्रियौ ब्रजे बभूव तुष्टो पशुपाल संवतो गाश्चार्यन्तो सकेभि समं पदैर् वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतु। गाश्चार्यन्त, वे गाय चराने के क्रम में गाय चराते हुए अपने चरण चिन्ह से समं पदै, छोटे छोटे चरण चिन्ह से वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु, इसको अति सुंदर बना दी। वही गोचारण के क्रम में क्या ऐसी बात हो गई कि वृंदावन अतिशय सुंदर हो गया। देखिए भगवान जब छोटे थे तो उनका चरण चिन्ह उभरता था, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखता था। लेकिन जब भगवान पौगंडावस्था को प्राप्त कर गए तो अब चरण चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट उगने लगा, दिखने लगा, तो उसे वृंदावन बहुत सुंदर हो गया। भगवान के चरण चिन्ह इतने आकर्षक हैं कि जो व्यक्ति उसका एक बार दर्शन कर लेता है तो और सारे क्रिया को भूल जाता है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के लीला का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर के क्या किए। वो कह रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनम निर्णय, कि उनका जो श्री विग्रह है तो लोक लावण्य निर्मुक्त्या, दो अर्थ है कि उनके लावण्य के समक्ष जगत का तो लावण्य ही खत्म हो जाता है, सारे संसार के लावण्य को, सुंदरता को छीन लेते, छीन लेते। इसका क्या अर्थ है, जैसे आप लोग रात्रि के समय जुगनू देखते हैं, जुगनू में भी प्रकाश होता है ना, लेकिन सूर्योदय हो गया तो एक तरह से सूर्य इसका प्रकाश छीन ही लिए ना, अब दिखता है प्रकाश। तो उसी तरह संसार में कोई भी सौंदर्य हो, चाहे मोर के पंख का हो, ये चंद्रमा का हो, या कमल का हो, अब भगवान के श्री विग्रह के सामने तो सब सौंदर्य खत्म। स्वमूर्त्या अपने श्री विग्रह से लोक लावण्य निर्मुक्त्या, वो श्री विग्रह का विशेषण दे रहे हैं कि लोक लावण्य का निर्मुक्ति करने वाला है। निर्मुक्ति दान के अर्थ में भी होता है, हरण के अर्थ में, तो दान के अर्थ में लेंगे तो इस संसार में जो भी सौंदर्य है वे अच्छा चीज लगता है ना, कोई पुष्प है उसको देखते हैं तो अच्छा लगता है, तो कोई भी सौंदर्य जिसको देखे हैं या नहीं देखे, जिसके विषय में सुने हैं या नहीं सुने हैं, जिसकी कल्पना कर सकते हैं या जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो भी सौंदर्य है तो भगवान के सौंदर्य के एक सीकर से आया। सीकर का अर्थ होता है
कि कोई सिख, जैसे नीब का सिख होता है ना, और उसको समुद्र में डालेंगे तो कुछ पानी सोख लेगा ना, उस पर कुछ पानी आएगा। एक सिख को अब डालेंगे जल में तो कुछ पानी को ग्रहण करेगा, और उसको ऐसे झाड़ते हैं तो पानी गिरता है। तो जो सिंक को झाड़ने से पानी गिरता है उसी को सीकर कहते हैं। और कृष्ण का जो सौंदर्य है तो उसके एक सीकर से ही सारा संसार में सौंदर्य है। या दूसरा अर्थ है कि सारे सौंदर्य का हरण करने वाला। जब भगवान अवतीर्ण हुए तो उनको देख करके जो सुंदर सुंदर चीज थे वे सब भाग गए। चंद्रमा आकाश में चले गए, हरितन देखे उपमा लजानी, हरितन उपमा हरितन देखी लजानी। सौंदर्य के विषय में यह उपमा दिया जाता है, किसी के मुख का सौंदर्य कर बोलना है तो चंद्रमा के समान बोल देते हैं। कृष्ण के मुख का भी वर्णन चंद्रमा का उपमा दे करके करते हैं। लेकिन जब भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किए तो चंद्रमा इतना लज्जित हुए कि आकाश में चले गए, और कोई कोई पानी में चले गए, कमल इत्यादि पानी में चले गए लज्जा के मारे। और सांप इत्यादि तो बिल में घुस गए लज्जा के मारे। बांस का उपमा सांप से देते हैं तो सब बिल में घुस गए। और सिंह है तो वो तो अब वन में ही रहता है, बाहर आता ही नहीं लज्जा के मारे, क्योंकि सिंह के कमर, कृष्ण के कमर का उपमा सिंह के कमर से देते हैं। लेकिन ये लोग भगवान के श्री विग्रह को देखे तो इतने लज्जित हो गए कि जा करके छिप गए, कोई पानी में छिपा, कोई कोई गगन समानी आकाश में चला गया, कोई बिल में रहता है लज्जा के मारे। लेकिन छिप करके वहीं से गाली देने लगे, कवियों को गाली देने लगे। अब कवि लोग बड़ा चिंतित हुए कि भाई हमको ये लोग गाली क्यों दे रहे हैं, तो अपना डेलीगेट भेजे कि भाई जाओ नेगोशिएट करो, क्यों गाली दे रहे हैं। और कोई गया कवियों का डेलीगेट तो लोग कहे कि भाई हम लोग गाली इसलिए दे रहे हैं कि हमको शर्मिंदित कर रहे हैं, भगवान के अंग का वर्णन करता करना होता है तो नाम हमारो ले, हमारा नाम लेते हैं इसलिए हम लोग को ऑब्जेक्शन। तो भगवान के लीला का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लाव निर्मुक्त्या लोचनम नृणाम। तो ऐसे अपने श्री विग्रह से लोगों के आंख को छीन लिए, आंख को छीन लिए मतलब जो एक बार कृष्ण को देखा तब दूसरे जगह देख ही नहीं सकता, तो आंख खत्म ही हो गया ना। स्वमूर्त्या लोक लावण्यम निर्मुक्त्या लोचनम नृणाम और गिरभीष्टा स्मरता चित्तम, अपने वाणी से उसका स्मरण करने वाले के चित्त को छीन लिया। मतलब जो एक बार भगवान की वाणी को सुना तो वही उसके चित्त पर छा जाता है, अब चित्त दूसरे चीज का अनुसंधान ही नहीं करता। और पदस्थान इच्छतान क्रिया, जो व्यक्ति भगवान के चरण चिन्ह को देखा तो उसके क्रिया को छीन लिया। मतलब जो चरण चिन्ह देखा तो देखते रह गया, इतना सुंदर है। अब ऑफिस में जाना है कि पानी लेकर के घर लौटना है, भोजन बनाना है, ये सब भूल जाता था। कह रहे हैं कि वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रत समम पद, कृष्ण अपने चरण से वृंदावन को अतिशय सुंदर बना दिए। पौगंड अवस्था में
वे पहुंचे तो चरण स्पष्ट दिखने लगा। बाल्य अवस्था में उतना स्पष्ट चिन्ह नहीं थे, अब पौगंड अवस्था में गए तो एक एक चिन्ह स्पष्ट दिखने लगा और इससे वृंदावन की अतिशय शोभा हो गई, बहुत सुंदर हो गया। तो हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं कि स्वजन्म ने अपने जन्म से जदकुल को प्रशंसित कर दिए और अपने संक्रमण से गमन से वृंदावन को अतिशय ब्रजमंडल को अतिशय प्रशंसनीय कर दी। तो उनका आशय है कि जिस व्यक्ति का या जिस स्थान का कृष्ण से संबंध है तो वे अतिशय प्रशंसनीय। और इसी विचार को इसी भाव को और वे आगे के श्लोकों में बोल रही हैं और उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।